पितृदोष कैसे जाने, कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष के उपाय। लग्न कुंडली में जब सूर्य के साथ शनि राहु या केतु की युति नवम भाव में हो तो पितृदोष का निर्माण होता है, लेकिन किसी अन्य भाव में युति हो तो आंशिक पितृदोष कह सकते हैं। पितृदोष के साथ कभी कभी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष भी बनता है, लेकिन लघु पाराश्री में पितृदोष का वर्णन कहीं नहीं मिलता है और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र इस विषय पर अभी शोध कर रहे हैं। पितृदोष बनने का मुख्य कारण पूर्वजों की अकाल मृत्यु होता है। हमारे पूर्वज या घर का सबसे बड़ा सदस्य या फिर घर में उपस्थित कोई बड़ा व्यक्ति जब अकारण ही काल के काल में समा जाता है तो पितृदोष का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के चलते या एक्सीडेंट आदि की असमय मृत्यु पाकर चला जाता है, तब मृत्यु के पश्चात घर में किसी नए सदस्य के आने पर उसकी कुंडली में यह दोष आता ही है। लेकिन अगर नहीं आता है तो मरने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी कारण से क्यों न मरा हो पर समय से पहले नहीं मरता है, अर्थात उसकी मृत्यु वैसे ही होनी होती है। कुंडली में पितृदोष कैसे बनता है? जैसा ऊपर बताया गया कि कुंडली के 9 एच में सूर्य के साथ शनि राहु या केतु की युति हो तो यह दोष बनता है, लेकिन कुंडली के किसी अन्य भाव में युति होने पर आंशिक रूप से पितृदोष है ऐसा कहा जा सकता है। कुंडली में पितृदोष, पितृदोष बनाने वाले दोनों ग्रह कुंडली में मारक हो अथवा कोई एक ग्रह मारक हो। पितृदोष में आने वाले ग्रह कुंडली में अगर योग कारक हो तो दोष नहीं बनता है। पितृदोष का निर्माण करने वाले मारक ग्रह का अंशबल 0, 1, 2, 3 या 28, 29 हो तो दोष का प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलता है और पितृदोष सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। सूर्य के साथ शनि पितृदोष का निर्माण करे तो ध्यान देना होगा कि शनि सूर्य से अस्त ना हो। अगर शनि कुंडली में अस्त हो तब भी पितृदोष का प्रभाव व्यक्ति को नहीं मिलता है। पितृदोष के उपाय, अमावस्या और पूर्णिमा को गाय को 5 या 7 आटे के लोवा बनाकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और हल्दी मिलाकर दें। अमावस्या को सरसों के तेल का दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर शाम 6 बजे के बाद लगाएं। अमावस्या को खीर या मिठाई का भोग पूर्वजों को अर्पित करें व उनको नमन करें, फिर बाद में उस भोग को कौवे या कुत्ते को खिलाएं। अमावस्या को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ पर लगाएं और पूर्वजों को नमन करें तथा उनकी शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात पेड़ के घड़ी की दिशा में 7 चक्कर लगाएं और नमन करते हुए बिना पीछे देखे घर वापस आ जाएं। अमावस्या को दान काले तिल प्लस काला वस्त्र प्लस उड़द दाल प्लस सरसों का तेल प्लस स्टील बर्तन प्लस नारियल प्लस तिल सफेद, ये सभी चीजें मात्रा सामर्थ्यानुसार किसी गरीब परिवार को दें। अमावस्या को गरीब को भोजन कराएं, भोजन घर बुलाकर कराएं या फिर भोजन को सुव्यवस्थित ढंग से संगठित करके अमुक व्यक्ति को अर्पित करें। बुजुर्गों, घर के बड़ों, गुरुजनों और पिताश्री का हमेशा सम्मान करें। पिताश्री किसी भी प्रवृत्ति के क्यों ना हो पर आदर के पात्र हमेशा होते हैं। अगर आप स्वप्न में भी पिताश्री के अनिष्ट के बारे में नहीं सोचते और उनके प्रति हमेशा अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके जीवन की सभी जटिलताएं कब सरल हो जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा।